हमारे देसी से अगर इस तरह से आप करेला बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत परफेक्ट करेला बनेगा। ओके, बिल्कुल तेज आंच पे बिल्कुल आप नहीं बनाएंगे, नहीं तो करेला जल जाएगा, प्याज भी जल जाएगा और इस तरह से नहीं आएगा। जिस तरह से आपको दिख रहा है ना मेरी भुर्जी करेला, इस तरह से नहीं आएगा। तो आप इस तरह से करेला बनाना है तो बिल्कुल लो फ्लेम पे ही आपको पकाना है, ढक करके बीच बीच में दो दो मिनट पे आप इसको चलाते रहिए, ठीक है, नहीं तो नीचे से पकड़ लेता है। ओके, मैंने रील में सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह बताया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, इंशाल्लाह आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत सिंपल सा करेला, बिल्कुल सिंपल सा करेला, कोई मसाला, कोई कुछ भी नहीं, कोई झंझट नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमने आधा किलो करेला लिया था, इसको काट के हमने 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीजर में नमक, 1 टेबल स्पून नमक लगा के रख दिया था। तो फिर इसके बाद इसको हमने 5-6 पानी से धुल लिया था। देखिए ना यह बहुत सॉफ्ट हो गया, बहुत अच्छे से धुल जाता है और ये देखिए टूटता भी नहीं, बिल्कुल ये लच्छा पूरा बना हुआ है। तो आप इसको काट के और फ्रीजर में रख देने का नमक लगा के, हाँ 1 टेबल स्पून नमक लगाया था हमने अच्छे से और फिर फ्रीजर में डाल दे। फिर इसके बाद इसको हमने अच्छे से धुला और उसके बाद हमने लिया यहाँ पे 1/2 किलो प्याज है और 1 हरी मिर्ची, बाकी और कुछ इसमें जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमने तेल चढ़ा दिया, तेल हमने लिया है 1 कप और इसमें डाल दूंगी मैं अपने जो करेले हमने धुल के रखे हुए हैं, ये डाल दूंगी। 2 मिनट के लिए इसको करेले को तेल में पका लूंगी नीचे ऊपर करके। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट हो गया है और अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। आपको चाहिए अगर पसंद है सौंफ मंगरेल तो थोड़ा थोड़ा 5 चम्मच मंगरेल और 1/2 चम्मच सौंफ डाल सकती हैं अगर पसंद है तो। हमें तो पसंद है पर मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है, मैं नहीं डाल रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी मम्मी डालती थी। तो चलिए अब इसमें मैं प्याज डाल देती हूँ सारे जो हमने काट के रखे हुए हैं। यहाँ पर हमने नमक नहीं डाला है और नमक पहले से मैंने करेला में लगाया था तो उसमें नमक रहता है, तो नमक आप बाद में लास्ट में डालिएगा चेक करके। तो चलिए इसको ढक देती हूँ और ढक करके पका लेती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे। जब तक मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। तो चलिए इसको एक बार खोल के देख लेते हैं, देखिए और वो प्याज भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब इसको मैं, अब आपको लो फ्लेम पे ही पकाना है तभी प्याज और ये अपना करेला बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा है, 1 घंटा लग जाएगा इसको पकते हुए ऐसा लगता है, इसलिए प्याज भी गलता है और वो करेला भी पकता है, सब एक साथ में पकना चाहिए। बिल्कुल देख रहे हैं ना कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेरे करेले माशाल्लाह से 80% पक चुके हैं। यहाँ पे देखिए प्याज मैंने बिल्कुल कच्ची डाली थी और कैसे कलर आ गया, इसका ब्राउन कलर हो गया है। प्याज और करेले दोनों एक जान हो गए हैं, दोनों एक साथ में मिल चुके हैं। हमारे भुर्जी करेला बनके रेडी होने वाला है। तो चलिए 10 मिनट के बाद और मिलते हैं, 10 मिनट और इसको मैं पकाती हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको पकाना है, हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो आपका प्याज जल जाएगा और करेला भी जल जाएगा तो अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। आप सीट रेट से, तो अब यहाँ पे मैं नमक चेक करने के लिए आई थी तो मैं नमक चेक कर लेती हूँ। परफेक्ट है, नमक बिल्कुल नहीं हमें डालना, इसलिए मैंने नमक को भिगा के रखी थी ना करेले को, कम से 2 से 3 घंटा हमने रख दिया था फ्रीजर में। तो पूरा जो कर लिया फिर भी हमने कितने पानी धुले हैं, 5-6 पानी से धुला फिर भी जो है उसमें नमक है। तो अब मैं नमक बिल्कुल नहीं डालिएगा, नमक खारा हो जाएगा तो फिर आपका करेला बेकार हो जाएगा, खाने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो गया है और मैंने करेले को निकाल लिया है। 10 मिनट पहले हमने पकाया फिर उसको थोड़ा ठंडा किया तो मैंने इस बाउल में निकाल लिया। तो ये देखिए आप कलर देख सकती हैं ना कितना अच्छा कलर आया है, बहुत परफेक्ट है मेरा ये भुर्जी करेला। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और दाल चावल से खाइए, चिकन से भी आप खा सकती हैं, चिकन का सालन जो बनाते हैं ना बनावल उसमें भी उसके साथ भी खाए और पराठा से खाए, बहुत मज़ा आने वाला है। और बेसन की रोटी एंड चटनी एंड करेला, इन तीनों चीज़ को बहुत कम्बिनेशन अच्छा है। तो चलिए यहाँ पे होती है मेरी वीडियो क्लास, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करें और दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।